श्री सीताराम जय जय बजरंग बली जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भर जाए। धन की तंगी क्या होती है यह आपको पता ही न चल पाए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी यह वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम आपको आपकी सबसे बड़ी भूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने आपके घर को शायद कंगाली के द्वार पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये भूल जुड़ी हुई है आपके घर के मंदिर से। दरअसल घर के मंदिर में रखी ये तीन चीजें आपको बर्बाद कर सकती है। ये तीन चीजें आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक रही है। अगर आपके मंदिर में भी ये तीन चीजें रखी हुई है तो तुरंत ही इन्हें बाहर निकाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर कौन सी है वो तीन चीजें जो माता लक्ष्मी को आपके द्वार आने से रोकती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य कुछ अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यह धार्मिक है और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल ना करें, इसलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर वन, दोस्तों, हर कोई घर में छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी घर परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का बना हो सकता है, या इसके जरिए आप किसी भी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो उपले या गोबर के कंडे पर गुड़ और हल्दी लगाकर भी घर में धूप भी दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर टू, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को समृद्धि और सुख शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। नंबर थ्री, कलश। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं। इससे आपके परिवार में समृद्धि तो रहेगी, साथ ही खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। नंबर चार, शंख। शंख के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम। शायद ही कोई जानता होगा कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। शंख को धर्म में पवित्र और खुद मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को शंख अधिक प्रिय है। जिस घर के मंदिर में शंख होता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख को रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। नंबर फाइव, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो वो चीजें थी जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं गुरु जी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपके पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। नंबर वन, विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्तियां विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी ना जाए तो वैसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। यह आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर यह भी देखा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुख करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूल कर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुख करके रखें, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। नंबर 2, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी टूटी हुए चावल या बहुत लंबे समय पहले यूज किए हुए चावल रखे हैं, तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में मिलाकर ही कीजिएगा, ये बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई है, तत्काल बाहर निकाल दें। यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है, लेकिन वो देवताओं के बराबर नहीं है, इसलिए अपनी पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें न रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। उम्मीद है दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय श्री राम जरूर लिखें।